ऑलरेडी ले चुका है, डिसीजन हवा में ले चुका है, मगर उतना इजी नहीं छोड़ते ना, इसलिए कांग्रेस पार्टी एंड बीआरएस पार्टी सोच रहा है क्या करना बोल के। ये भी सोच रहा है अगर दोनों मिलके करे तो ही, जो कैंडिडेट्स के वजह से, मैं पार्टी के वजह से नहीं बोल रहा हूँ, बीआरएस कांग्रेस का पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मगर बीआरएस कैंडिडेट रहते उनको जिताना बोल के उनको जिताए थे, मगर 5 साल के अंदर कभी भी इधर नहीं आता, कुछ काम भी नहीं किया था। 5 साल में कभी आए क्या, कुछ करे क्या, कभी हमारे लिए कुछ बात करे क्या, कुछ भी नहीं। मगर उन्हें क्या बोलता आज, मेरा खुद का पार्लियामेंट स्थान है, बाहर दो हार गए तो भी चलता, मगर इधर तो मलकायगंज में मैं जीतना बोल के उन्हें। आज मदद देने के लिए आया था, वो लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। तेलुगु समझता, हिंदी समझ तो आता हूँ तेलुगु। मैं अंदर की नमस्कारम। आज मल्काजगिरी के अंदर मोदी जी जो रोड शो करके जाने के बाद एक ही आवाज उठा, अब की बार 400 पार जो नारा उठाया था सारे देश आवाम, वो 400 पार में, अब की बार 400 पार में मल्काजगिरी भी एक होना चाहिए। ये डिसीजन ऑलरेडी ले चुका है, डिसीजन हवा में ले चुका है, मगर उतना इजी नहीं छोड़ते ना, इसलिए कांग्रेस पार्टी एंड बीआरएस पार्टी सोच रहा है क्या करना बोल के। ये भी सोच रहा है अगर दोनों मिलके करे तो ही, जो कैंडिडेट्स के वजह से, मैं पार्टी के वजह से नहीं बोल रहा हूँ, बीआरएस कांग्रेस का पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मगर बीआरएस कैंडिडेट एंड कांग्रेस कैंडिडेट दो लोग मिलके इसको कैसा रोकना है बोल के सोच रहा कहते। मगर मैं तो गरीब हूँ, मेरे को रोक सकते, मगर 38 लाख वोटर मल्काजगिरी को कोई भी नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता ये। मल्काजगिरी बोले तो उतना इजी नहीं है, यहाँ पे बहुत व्यापारी है, एम्प्लॉयज भी है, युवा भी है, सारे तेलंगाना से पॉलिटिकल लीडर्स सेटल होने का जगह भी हुई है। उस टाइम पे रेवंत रेड्डी वहाँ पे हारने के बाद ही रहा है, तो अरे डेमोक्रेसी में बैलेंस रहना चाहिए। उन्हें कभी कभी हमारे तरफ से पूछते रहते, उनको जिताना बोल के जिताते थे, मगर 5 साल के अंदर कभी भी इधर नहीं आया था, कुछ काम भी नहीं किया था। 5 साल में कभी आए क्या, कुछ करे क्या, कभी हमारे लिए कुछ बात करे क्या, कुछ भी नहीं। मगर उन्हें क्या बोलता आज, मेरा खुद का पार्लियामेंट स्थान है, बाहर दो हार गए तो भी चलता, मगर इधर तो मल्काजगिरी में मैं जीतना बोल के उन्हें। आपका जागीर है बेटा, आपका जागीर है, ये मल्काजगिरी का प्रजा का जागीर है, किसका जागीर नहीं है। इसीलिए इन लोगों को वोट डालना, अभी एक बात किया था उनका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मिस्टर राहुल गांधी क्या बात करता, मोदी जी को राहुल गांधी को कुछ है क्या, ये कंपेयर कर सकते क्या ये? आज देश के अंदर मोदी जी का नाम छोटे बच्चे से लेके बूढ़ा तक मालूम रहता है, सारे दुनिया के अंदर, सारे दुनिया के अंदर हुई इज द स्ट्रांग पोलिटिकल लीडर ऑन द ग्लोब, मिस्टर मोदी जी इज द स्ट्रांग पोलिटिकल लीडर ऑन द ग्लोब। वैसा स्थिति है आज,
मोदी जी 10 साल के अंदर क्या काम किया, आप लोगों का हाथ में जो सेलफोन से उनका हिस्ट्री निकाले तो मालूम होता। जितना जो काम किया था उसमें 20% भी हम को नहीं मालूम है उतना काम करा है।